धर्म की बात होने लगती है, गुजरात हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, बीजेपी अपने एजेंडे पे काम कर रही है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी देश में रहने वाले तमाम धर्म के लोग, तमाम तरह के लोग, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, सबके साथ एक तरह का होती है। और हमें अफसोस है कि जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो कामयाब होते जा रहे हैं। तो जनता को सोचना चाहिए कि अभी देखिए केजरीवाल ने कह दिया कि नोट के ऊपर फोटो जो है लक्ष्मी के फोटो, मैं सोचता हूँ अगर केजरीवाल ये कहते कि 2014 के बाद डॉलर जो है 70 रुपये था, आज 80 रुपये हो गया, बढ़ते जा रहे डॉलर, 100 रुपये की वैल्यू 80 रुपये बराबर हो गई, हम सत्ता में आएंगे तो रुपए की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो समझते कुछ देश की कोई बात कर रहे हैं। ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। उनको लगता है कि इस देश के लोग धर्म के नाम पर उनको जितना चाहो ठगा जा सकता है, और वही काम वही चीज़ पकड़ चल रहा है जिससे देश का बहुत बड़ी देश की बहुत बड़ी बर्बादी और देश का नुकसान है। अच्छा, सियासत तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लेकर के हो रही है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है कि अल्पसंख्यक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की वजह से भगवा मां, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देखिए भगवा मां भी खराब किया गया, और कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये बयान आया कि अल्पसंख्यक प्राइम मिनिस्टर देखिए वहाँ से यहाँ क्यों नहीं, तो वैसी साहब ने भी कहा कि हिजाब वाला यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्यों बनेगी। मैं समझता हूँ कि ये सब जो है ना, ये सब जनता को सिर्फ और सिर्फ जो है बेवकूफ बनाने की बातें हैं। हिजाब की जहाँ तक बात है, मेरा मानना है कि हिजाब की राजनीति होने नहीं चाहिए। जिस देश के अंदर अगर शादी के एक औरत एक मर्द के साथ लिविंग रिलेशन रह सकती है, जिस देश में आदमी और आदमी के साथ रिलेशन कर सकता है, क्योंकि आज़ादी है, जमहूरियत है, उस देश के अंदर एक धर्म पर चलने वाली लेडी जो हिजाब जो है मजहब का एक हिस्सा है उस पर अगर चलना चाहती है तो रोक लगाई जाए। मैं समझता हूँ कि बहुत 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 बड़ा अन्याय, बहुत बड़ी नाइंसाफी है और ये सब पोलराइजेशन के लिए हो रहा है। 2024 में क्या स्टैंड रहेगा समाजवादी पार्टी का पूरे देश में? कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, देखते क्या होगा। कैसे कर पाएंगे धर्म की राजनीति हो रही, कैसे कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि लोग उठ चुके हैं, जो लोगों को लगता है कि ऐसे व्यक्ति बनाया जा रहा है, जो हालत अभी श्रीलंका की हुई थी और हालत हमारी ना हो जाए, थोड़ा मीडिया के लोगों को थोड़ा सा होश में आना चाहिए और मीडिया के लोगों को सच्चाई दिखाना चाहिए कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ इस देश को सैकड़ों साल पीछे कर दिया। नौकरी नहीं लोगों के पास है, आज जो है आर्थिक स्थिति बर्बाद हो चुकी है। मुझे लगता है अगर मीडिया के लोग सच्चाई दिखाएंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे और हम सब संघर्ष करेंगे तो ज़रूर जो लोग सत्ता में बैठ के बेवकूफ़ बना रहे हैं वो बनेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विश्व की तीसरी इकनॉमी बनने जा रही है भारत। भैया हम तो कह रहे हैं कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है, आज तक कुछ बनाया नहीं उन्होंने, सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। बट पढ़े लिखे लोग बीए एमए किए हुए लोग 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, सरकारी प्रॉपर्टी बेची जा रही है, तो इकनॉमी कैसे बढ़ रही है, किस तरह से बढ़ रही है? स्टेट के बारे में कानून व्यवस्था कह रहे हैं पूरी तरह दुरुस्त है, बहुत ख़राब है। मैं तो मेरी तो मांग है, आज मैं सुबह आ रहा था तो मैं जब निकला सरायगंज पहुंचा मैं, ओह ऐसा डीजे बज रहा है, ऐसा डीजे बज रहा है, एक ही जगह गाड़ी रोक करके हम लोग की गाड़ी भी हिल रही थी। मेरे परिवार को जाना था ट्रेन में, मुंबई जाना था और इतनी भीड़ कि हमें उनको उतारना पड़ा और रेल की पटरी पकड़ करके 20 बैग लेकर के लोगों को स्टेशन जाना पड़ा। सुबह 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक 1 किलोमीटर के ऊपर डीजे बजाया गया है। क्या है, अभी कल की बात है कि एक सिक्योरिटी वाले को सुल्तान में चाकू से मार के उसकी गन छीन ली। क्या लीला हो रहा है, क्या हो रहा है देश में? सबसे पहले मेरी तो आज ये मांग है कि सड़क के ऊपर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जुलूस लेके चलना बंद होना चाहिए सख्ती के साथ। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ आप लेकर के डीजे बजा रहे हैं और किसी को एक धर्म विशेष को आप गाली दे रहे हैं, ये ठीक है, और पुलिस खड़ी हुई है। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि लोगों को जाने आने में दिक्कत होती है, वो 5 मिनट की नमाज होती है, लेकिन सड़क के ऊपर जहाँ सारी गाड़ियाँ चलती हैं, लोग आते आते हैं, वहाँ 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक, यानी 5 किलोमीटर तक सारी गाड़ियाँ जाम हो जाए और पुलिस खड़ी रहे, उस पर रोक ना लगाया जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत नाइंसाफी है, इसको ये बंद होना चाहिए। और दूसरी हमारी मांग यह है
कि किसी के धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक किताब के खिलाफ, किसी धार्मिक लीडर के खिलाफ अगर किसी ने स्पीच एंड एक्सप्रेशन लॉ की आड़ में लेकर उसके खिलाफ अपमानित बात किया तो उसे टेररिज्म के कानून में बंद करना चाहिए। अगर ये दो काम इस देश में हो जाएगा तो 90% हमारे देश के झगड़े जो आपसी है ना।